दिवाली का त्योहार शुरू हुए दो दिन हो गए हैं, मगर बाजार में वह रौनक नहीं है जो हर साल देखने को मिलती है, जिसकी मुख्य वजह देश में मंदी का दौर लगातार जारी है। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने किसानों की खुशी आधी कर दी है, तो वहीं बाजार की हालत भी पतली सी नजर आ रही है और व्यापारी भी इससे अछूते नहीं रहे। आपको बता दें कि दिवाली के त्योहार से पहले इंदौर में भी काफी समय से व्यापारी मंदी के दौर से गुजर रहे थे, मगर धनतेरस से बाजार में थोड़ी रौनक बढ़ी है। खासकर कपड़ों की खरीदी में ज्यादा इजाफा हुआ है, बाकी चीजों के बाजार में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि जो ग्राहक बाहर से आते थे वे इस बार मार्केट में देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से दिवाली का त्योहार कोई खास नहीं लग रहा है। क्या नाम है सर? मेरा मनोज राजपूत नाम है सर जी। आप कपड़े के व्यापारी हो, किस प्रकार से आपका धंधा चल रहा है? सर अभी दीपावली के 3 रोज पहले से बहुत बढ़िया अपना कामकाज चल रहा है। पहले बहुत मंदी बाढ़े थे, अभी चालू हुआ है। अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो पहले मंदी ये कब से चालू हुआ है? ये अभी दीपावली के कुछ दिन पहले से चालू हुआ है। अच्छा, पहले मंदी वाला था। हालांकि देश में मंदी का दौर जारी है, लेकिन अभी दिवाली का सीजन शुरू हो गया है, जिसमें अभी लोगों मतलब बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इंदौर मार्केट में कपड़े की दुकानों की ज़्यादा खरीदी हो रही है, बाकी मंदी का दौर वाकई में जारी है। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, समाज एक्सप्रेस, इंदौर। मैं कृष्णनगर पूर्वसिनी डिप्टी मेयर करनाल, मैं करनाल की जनता का और हरियाणा की जनता का भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताने के लिए दोबारा मनोहर लाल जी के कार्यशैली को देखते हुए उनकी फेवर में वोट करके उनको जिताने के लिए और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि दोबारा से श्री मनोहर लाल जी में विश्वास जताते हुए उनका मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दोबारा फिर पार्टी का संगठन में कार्यशैली देखते हुए हरियाणा में काम को देखते हुए मुख्यमंत्री दोबारा मनोहर लाल जी को बनाने के लिए जो उन्होंने स्टैंप लगाई है, मोर लगाई है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा में जिन्होंने अपनी ईमानदारी, निष्ठावान, सभी हरियाणा के सारे एरिए में समान विकास और नौकरियों में जो पहले धांधली होती थी उसको छोड़कर मेरिट पे नौकरी देने का कार्य जो किया, इसी को देखते हुए जनता ने इनको दोबारा फिर चुना। मैं एडवांस में हरियाणा की जनता को फिर बधाई देता हूँ कि मनोहर लाल जी पे विश्वास जताते हुए इन्होंने विधायक बनाया करनाल की जनता ने और आगे मुख्यमंत्री हरियाणा का पद संभालने जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से दिवाली और भैया दूज की करनाल की जनता को और हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी इस पर्व पर सभी के घर में खुशी रहे, श्री गणेश माँ लक्ष्मी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे और सबके घर में खुशी रहे। धन्यवाद। मैं मोनिका गर्ग वार्ड नंबर 12 से सभी करनाल वासियों को अपने परिवार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और भैया दूज की भी मैं शुभकामनाएं देती हूं। श्री गणेश भगवान जी और माता लक्ष्मी जी सभी करनाल वासियों पे अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा करनाल नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर तथा उनकी पुत्रवधू और करनाल नगर निगम वार्ड 12 की कर्मच और मेहनती तथा
लोकप्रिय पार्षद मोनिका गर्ग की ओर से सभी प्रदेश वासियों को शुभ दीपावली, भैया दूज तथा विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा करनाल नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर तथा उनकी पुत्र वधु और करनाल नगर निगम वार्ड 12 की कर्मच और मेहनती तथा लोकप्रिय पार्षद मोनिका गर्ग भगवान श्री गणेश तथा महालक्ष्मी से कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा करनाल नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर तथा उनकी पुत्र वधु और करनाल नगर निगम वार्ड 12 की कर्मठ और मेहनती तथा लोकप्रिय पार्षद मोनिका गर्ग की ओर से आप सबको एक बार फिर से दीपावली, भैया दूज तथा विश्वकर्मा दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मैं सुल्तान सिंह पद्मश्री, मैं सभी हल्का नीलोखड़ी वासियों को हैप्पी दिवाली और मैं धनतेरस और गोवर्धन पूजा और भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से इस साल यह हैप्पी दिवाली है तो आने वाला दिवाली भी हमारी इसी तरीके से खुशियां लेकर आए, सबको मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं सुल्तान सिंह पद्मश्री गाँव बुटाना से। नीलोखेड़ी के कर्मच मेहनती और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित देश के प्रसिद्ध मछली पालक किसान सुल्तान सिंह तथा उनके होनार पुत्र नीरज उर्फ विक्की की ओर से सभी प्रदेश वासियों को शुभ दीपावली, भैया दूज तथा विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नीलोखेड़ी के कर्मच मेहनती और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित देश के प्रसिद्ध मछली पालक किसान सुल्तान सिंह तथा उनके होनहार पुत्र नीरज उर्फ विक्की भगवान श्री गणेश तथा महालक्ष्मी से कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। नीलोखेड़ी के कर्मच मेहनती और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित देश के प्रसिद्ध मछली पालक किसान सुल्तान सिंह तथा उनके होनहार पुत्र नीरज उर्फ विक्की की ओर से आप सबको एक बार फिर से दीपावली, भैया दूज तथा विश्वकर्मा दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। JBD Banquets lie hai, Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।